आज वडोदरा महानगरपालिका के चुनावों के 19 वार्डों के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। इसी के चलते भाजपा के उम्मीदवार जीत की स्पर्धा में आगे चल रहे हैं, जिसे लेकर वडोदरा शहर की भाजपा की सांसद रंजन बेन भट्ट तथा शहर के वाड़ी विधानसभा विधायक मनीषा बेन वकील आज वोटों की गिनती वाले स्थान पर पहुंची हुई थी। जीतने वाले उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास को गति दी है और सीआर पाटिल ने इस कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूती दी है, उसी तरह से ये समस्त संगठनों की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और विकास की जीत है। इसी के साथ ही जीते हुए उम्मीदवारों को शुभेच्छा देते हुए उन्होंने मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है। बिल्कुल देश ना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी नु आ गुजरात छे अने आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी जे रीते गुजरात ने विकास नु नंबर वन मॉडल बनावीने देश में सौंप्यू, साथे साथे एज रीते गुजरात राज्यना माननीय मुख्यमंत्री श्री अने नायब मुख्यमंत्री श्री जे रीते विकास वडोदरानो गुजरातनो करी रह्या छे, गुजरातनी अने वडोदरानी जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी साथे छे, देशना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी साथे छे, तो साथे साथे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सी आर पाटिल साहेबे संगठननी धूड़ा संभाळ्या पछी संगठनना कार्यकर्ताओं ने पेज समिति बनावानुं काम सौंप्युं अने संगठननी टीम तमामे पेज समिति बनावीने ए पेज समिति द्वारा मतदारों ने मतदान मथक सुधी लई जवानुं काम आ वडोदरा संगठननी टीमे भी कर्युं छे। हूँ संगठनना कार्यकर्ता ने अभिनंदन आपूं छूं, साथे साथे मारी वडोदरानी जनता ने खूब आभार मानू छूं कि मारी वडोदरानी जनता जे रीते विकास अने भारतीय जनता पार्टी पर तेमणे विश्वास मूक्यो छे, विश्वास आपू छू कि तमारो मुकेलो विश्वास अमे भारतीय जनता पार्टी नी तमाम टीम सांसद धारासभ्य के चूंटायेला प्रतिनिधि के मारी संगठननी टीम तमाम तमारी वच्चे रहीने सेवा करशू एवो विश्वास आपू छू। फरीथी मारी वडोदरानी जनतानो खूब 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 आभार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।